अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अतीत में झांकने की? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे और मेरे परिवार के अतीत में झांकने की कोशिश मत करना। ऐसे क्या था इस बॉक्स में जो आपने इसे जला दिया मिस्टर अग्निवंशी? पहले मुझे आप ये बताइए मिसेस अग्निवंशी कि आप मेरे घर में जासूसी क्यों कर रही हैं? फर्स्ट बार तो तुमने हद ही पार कर दी। तुमने मेरी माँ का इस्तेमाल किया। तुम्हारी ये नेल पेंट वाली साजिश ने सब कुछ बया कर दिया है महक। उसके लिए आप सॉरी। मेरा उन्हें धोखा देने का कोई इरादा नहीं था, पर मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था। अब मैं खुद ब खुद जासूसी नहीं कर रही हूँ। आपके राज और सुराग खुद चलकर मेरे पास आ रहे हैं। ये देखिए, ये चिट्ठी हमारे कमरे के टाइल के नीचे से मिली। ये इंस्पेक्टर सुनिधि कौन है? ये सब झूठ है महक। अगर ये खत झूठ है तो फिर हमारे कमरे में क्या कर रहा था? इसी के जरिए मैं इस बॉक्स तक पहुंची थी और आपने आते ही उसे आग लगा दी। ऐसा क्या था इस बॉक्स में? मैं की सवाल का बार बार जवाब नहीं दूंगा। एक तो वो मेरा सब कुछ खत्म कर चली गई और यहाँ पर मेरी जिंदगी तबाह हो रही है। ये सही है, वो बेचारी यहाँ अपनी सफाई देने के लिए है नहीं, तो आप कुछ भी बोल रहे हैं। इस बॉक्स में पलक के बारे में कुछ नहीं है। उस बॉक्स में मेरी फैमिली के वो राज है। अगर वो सामने आ गए ना तो मेरा पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। इसलिए वो राज जहाँ है तुम्हें वही रहने दो और मैं आखिरी चेतावनी दे रहा हूं। मेरे और मेरे परिवार के अतीत में झांकना बंद करो।
पलक की तरफ मुझे भी गायब कर देंगे आप? यही भरोसा है तुम्हें मुझ पर? तो ठीक है मिसेज अग्निवंशी, एक बात याद रखना, जहां भरोसा नहीं होता वहां प्यार नहीं होता। तुमने बिल्कुल सही गैस किया है महक, मैं भी पलक की तरह गायब हो जाऊंगी। और पता है, एकांश खुद तुमसे छुटकारा पालेगा। ओह गॉड, मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं कुछ खा के आती हूँ। पहले गई थी पलक अब जाएगी महक। उतना परेशान हो रहा है एकांश? मैं इतिहास फिर से अपने आप को दोहरा रहा है। महक भी पलक के नक्शे के दम पर चल रही है। आज वो उस रास्ते तक पहुंची गई थी जो हमारे पूरे खानदान को बर्बाद कर सकता था। तो हमारे लिए फायदे से ज्यादा नुकसान का सौदा बनती जा रही है। मैं उनामा उसे संभालने के लिए आज भी उस रास्ते से जुड़े हुए सारे सबूत जला दिए मैंने। शुक्र है भगवान का, तूने सब कुछ डूबने से बचा लिया। इतने बंद दरवाजों में उस राज को रखा, फिर भी एक खत ने उसे वहां तक पहुंचा दिया। ये पलक ने लिखा था? पता नहीं मां, पर इस लेटर के पीछे जो कोई भी है मैं उसे ढूंढ के रहूंगा। बचा तो ली ये फोटो, लेकिन ये तो फूफा जी की फोटो है। इसमें ऐसा क्या खास है? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये फूफा जी के साथ कौन है? मारो और बुलबुल को मेरी जरूरत है, मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। दीजिए मुझे। दिखाइए, आपको तो चोट आ गई, मैं कुछ लेकर आती हूँ। उससे ज्यादा गहरी नहीं है जो तुमने दी है।